लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही करीम व आलिही व सहाबी अजमईन। डाइस पर तशरीफ फरमा, बहुत ही कीमती और मौजिस काबिल एहतराम उलमा इकराम और तमाम कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान और बहुत ही कीमती कि हम इस बिल के नहीं, इसे बिल कहा जा रहा है आज भी, ये बिल नहीं, ये कानून, ये कानून बन चुका है। हम इस कानून के वापिस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप और मैं, आप और मैं इस कानून के वापिस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे एहतजाज, ये हमारा मैदान में आना, ये हमारा CAA, NRC, ये NPR, इसके खिलाफ लोगों के बीच आकर लोगों को मालूमात देना, सर्दियों की इस शदीद तकलीफ को बर्दाश्त करना, पूरा मुल्क ये देख रहा है। और हमने मैदान में आकर सबसे पहले मैदान में आकर हमने इस बात का सबूत दिया है कि दरअसल इस मुल्क से मोहब्बत हमको है, इस मुल्क के कानून से मोहब्बत हमको है, इस मुल्क के मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते, इस मुल्क के मुसलमान भारत के तमाम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। इसका सबूत आपने दिया, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। और वो लोग जो 10 करोड़, इस मुल्क के 10 करोड़ इंसान रोज आना खाली पेट सोते हैं, उनकी उनको फिक्र नहीं है, उनकी भारतीय नागरिका खतरे में है, उनको महसूस हम कराएंगे इंशाल्लाह, हमारी बहनें कराएंगी, हमारे दलित भाई कराएंगे, हमारे हिंदू भाई कराएंगे, हमारे सिख भाई कराएंगे, हमारे वो समाज जो इस वक्त जिनके पास घर नहीं है वो अपनी पहचान कहाँ से देंगे, जो कभी इस खेत में काम करते हैं कभी उस खेत में काम करते हैं, कभी इस बिल्डिंग में काम करते हैं कभी उस बिल्डिंग के नीचे सोते हैं, वो अपनी पहचान कहाँ से देंगे। उनकी पहचान सलामत रहे उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनकी नागरिकता हमको अपनी शहरियत साबित करना नहीं है, हमारी शहरियत साबित है, हमारी शहरियत हमारी नागरिकता हम सबूत दें, हमारी पहचान ये मुल्क है। हमारे 775 हो गया वो, मैंने पहले हमारे 775 मुस्लिम जिसमें उलमाए इकराम का नाम है, आप दिल्ली जाइए 800 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, इस मुल्क से मोहब्बत हमने की, इस मुल्क से मोहब्बत हमने की, इसके कानून से मोहब्बत हम करते हैं, तुम कहाँ करते हैं। इस मुल्क के बाशिंदों से यहाँ का हर इंसान हमारा भाई है, दलित सिख ईसाई पारसी हर, इसलिए कि इस्लाम ने हमको यही समझाया है कि सारे इंसान भाई हैं, सारे इंसान अल्लाह के नजदीक बराबर है, उसका कुंभ है। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कोई कागजात बनाने की तैयारी में मत लगिए, अल्लाह ताला हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, कल भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, आज भी कुछ नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है, हम बायकॉट करते हैं, हम बायकॉट करते हैं, हम बायकॉट करते हैं,
हम ये इल्तजा नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि इस कानून को वापस लो, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का मसला है, मुसलमानों का नहीं है सिर्फ, ये मुसलमानों का मसला नहीं है सिर्फ, ये पूरे भारत के करोड़ों इंसानों का मसला है, इसलिए हम आए हैं। और हमको कहा गया है कुरान में, कुंतुम खैर उम्मतिल उखरिजत लिल्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया, लेकिन निकल गए हम, आ गए हम और घूमेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिक्र मत कीजिए, मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे वो ताकतें कहना तो नहीं चाहिए, ताकत भी हमारे पास ही है, वो शेर जो हमारा मामला ऐसा है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पे ना इतराओ आईना।